हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल टेस्ट बास्केट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और सभी इस फेस्टिवल पर अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ड्राइंग रूम की दिवाली डेकोरेशन को। आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आप अपने घर को इस दिवाली डेकोरेट कर सकें। दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये बहुत ही सिंपल और पुराने स्टाइल का है। ये आपको शोकेस देख के तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये एक रेंटेड अकोमोडेशन है तो हम इसे रेनोवेट तो नहीं कर सकते, पर अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले मैं इन कर्टन्स को एक नया लुक दूंगी। यहाँ पर मैं इन कर्टन्स को कम्प्लीटली ना चेंज करके दो नेट के कर्टन्स लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड लगाएंगे, और ये कर्टन्स मेरे पास पहले से ही पड़े हैं। और इन कर्टन्स के पीछे मैं येलो लाइट्स लगाऊंगी जिससे रात में बड़ा ही अच्छा इफेक्ट आएगा। घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लुक्स में बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए, तो मैंने दोनों कॉर्नर्स पे फ्लावर पॉट्स रख दिए हैं जिन्हें मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब मैंने इनके आसपास फ्लावर्स की रंगोली बनाकर दियों से डेकोरेट कर दिया है। अब शोकेस में कुछ नए डेकोरेटिव आइटम्स लगा दिए हैं, कुछ मेरे पास पहले से ही पड़े थे और कुछ मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए हैं। सामने वाले वॉल पर शोकेस के दोनों तरफ मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए हुए पेपर क्राफ्ट को हैंग किया है। ये वॉल को एक एलिगेंट लुक दे रहे हैं और ये बहुत ही सस्ते भी हैं। राइट वाली विंडो पर जो लाइट्स लगाई हैं उसकी एक्सटेंशन वायर नज़र आ रही है, तो उसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल लीव्स की लटकन लगा रही हूँ जिससे ये सुंदर भी लग रही है और तार भी नहीं दिख रही। अब ऑपोजिट वॉल पर मैंने तीन पेंटिंग्स लगा दी हैं, इन्हें भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसके जस्ट नीचे मेरा टेस्ट बास्केट का कुकिंग टेबल है, इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने एक सिल्क का दुपट्टा लिया है और इसे एज अ टेबल रनर यूज किया है। इस पर मैंने तीन लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज लगाए हैं और इसे भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है। और ये एक बॉटल मुझे गिफ्ट मिली थी, तो इसमें मैंने बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स डाल दी हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बॉटल है तो आप भी इन लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये कुछ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स मैंने मार्केट से खरीदी हैं और इन्हीं कैंडल्स से मैं टेबल को डेकोरेट करूंगी और स्टैचूज के आसपास कुछ फ्रेश फ्लावर्स लगाऊंगी। दोस्तों, फ्रेश फ्लावर्स लगाने से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो आप भी घर को डेकोरेट करते हुए फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ ज़रूर करें। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो हम यहाँ पर जितनी लाइट्स, कैंडल्स, दियाज यूज़ करें उतने ही कम हैं। मैं यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग कैंडल्स भी लगा रही हूँ जिससे घर और जगमगा जाएगा। अब बारी है सोफा कवर्स को चेंज करने की, तो मैंने यहाँ पर ब्राउन सोफा कवर्स बिछाकर उस पर कंट्रास्टिंग कुशंस लगाए हैं। आपने नोट किया होगा कि मैंने इस रूम में येलो ब्राउन थीम रखी है, यानी येलो ब्राउन मेरा डोमिनेंट कलर है और मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो मैंने यूज़ की हैं वो इसी के साथ जा रही हैं। इसी थीम से मैचिंग मैंने एक और दुपट्टे को एज अ टेबल रनर यूज़ किया है।
अब टेबल को ज़्यादा मैसी ना बनाते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बॉल में कुछ आर्टिफिशियल पेटल्स और पानी डालकर फ्लोटिंग कैंडल्स लगाई हैं और साइड पर दो बैटरी ऑपरेटेड दियाज रखे हैं। आप भी टेबल पर मिनिमल आइटम्स यूज़ करें, इससे इसे ज़्यादा मैसी मत करें क्योंकि ये सर्विंग के लिए भी यूज़ होगा। दोस्तों ये सुन के शायद आप हैरान हो जाएं कि हमारे यहाँ पर सीलिंग फैन का प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि समर्स में भी फैन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पर पुरानी हैंगिंग लाइट को हटाकर इस थीम से मैचिंग एक येलो लाइट लगाई है। वैसे तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पर दोस्तों रंगोली के बिना तो दिवाली अधूरी है। तो मैं यहाँ पर फ्लावर्स की रंगोली बना रही हूँ और ये बहुत ही इजीली और कम टाइम में बन जाएगी। तो अब सभी लाइट्स, कैंडल्स और दियास को जलाकर मैं आपको ड्राइंग रूम की लुक दिखाती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने टेस्ट बास्केट पर रेसिपीज से अलग कोई वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये डेकोरेशन आइडियाज़ पसंद आए होंगे। टेस्ट बास्केट की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हेल्दी और सेफ रहें। हैप्पी दिवाली।